पवई में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र की तैयारी का कार्य पूर्ण हुआ। काफी लंबे समय से इंतजार के बाद कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां अंतिम चरण में है। पवई के जगदीश स्वामी मंदिर परिसर में स्थित छात्रावास में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसकी तैयारियां प्रोटोकॉल नियमों के तहत विधिवत की गई है। 16 जनवरी से टीकाकरण कार्य प्रारंभ होना है। शुक्रवार को CMHO पन्ना LK तिवारी ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। CMHO पन्ना के साथ SDM रचना शर्मा और BMO डॉक्टर एमएल चौधरी भी साथ में रहे। पन्ना से चरणजीत बंजारा की रिपोर्ट। क्या तैयारियां की गई हैं? जी हाँ, कल 16 तारीख से सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन पन्ना जिले में 2 जिलों को सिलेक्ट किया गया है, पन्ना जिला मुख्यालय और पवई। तो उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ पे चेक करने आए थे कि जो हमारे निर्धारित प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्था क्या है। तो सारी व्यवस्था इनने अच्छी कर ली है और थोड़ी बहुत जो छोटे छोटे पॉइंट थे उनको अभी बता दिया, ये लोग अभी कर रहे हैं। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा कोई इंतज़ार नहीं है, उनने इतनी जल्दी वैक्सीन तैयार करवा ली है। मैं पवई क्षेत्र और ज़िले की सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के द्वारा मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। प्रदेश के SSC मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के भी चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने हमारा पवई जैसा एक छोटा सा विधानसभा जिसको पिछड़ा हुआ उन्होंने चुना है, इससे हमारे क्षेत्र में हमारे गरीबों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यहाँ वहाँ उनको नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा वैसे ही पवई विधानसभा का सबसे पिछड़ा हुआ, इसमें गरीब लोग आएंगे, अपना पंजीयन कराएंगे और टीकाकरण कराएंगे, तो इससे हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं खुद क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सभी को प्रेरित करूंगा कि आप लोग जाएं टीका करवाएं। इसमें अगर कोई अफवाह भी फैलाता तो इस अफवाहों से बचे, किसी प्रकार का एक उसमें कोई ऐसी वो नहीं है जिससे कि हमें आपको उससे हानि हो, हानि नहीं होगी। शरीर के अंदर ऐसी 50 बीमारी तो मैं कहता हूँ सर्दी जुकाम खांसी ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जो हमें डॉक्टरों के पास रोज खड़ा रहना पड़ता है कटनी जबलपुर, अब लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वैक्सीन के माध्यम से ही लोगों के 50% रोग ठीक हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।